हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज भी ना हम कुछ अलग सा बनाने वाले हैं हमेशा की तरह, और इस रेसिपी का नाम है चॉकलेट बनाना पॉप्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऑब्वियसली चाहिए बनानास। बनाना को ना इसे दो पीसेस में कट कर लेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो कुल्फी वाली स्टिक्स होती है ना उनको इनमें डालना है, और एक एक करके ना ऐसे हम सारे जो पीसेस हमारे पास थे उनमें एक एक करके ऐसे ना कुल्फी जैसे बना लेंगे इनको बिल्कुल ही। तो हमने ना बनाना का छिलका ना पहले नहीं उतारा था, और उसको नहीं उतारने का एक रीज़न था, नहीं तो ना ये हाथ से स्लिप होते रहते हैं, स्टिक्स को ऐसे अंदर डालने में ना दिक्कत आती, तो इसलिए हमने बाद में छिलका उतारा है इसका। और इस बनाना को ना हम कोट करेंगे डार्क चॉकलेट से, मतलब आपकी मर्जी, आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। हमने डार्क चॉकलेट यूज़ किया क्योंकि हमें डार्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। तो 20 से 30 सेकंड ना इसको माइक्रोवेव कर देना है हमने, और ये अच्छे से ना मेल्ट हो जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है ना, जो बनाना है ना उसको चॉकलेट से कोट करना है अच्छे से। तो हमने क्या किया ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर से कोट किया है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा तो अच्छे से कोट किया है, और नीचे थोड़ा सा ऐसे बनाना छोड़ दिया है, तो ये अच्छा लगेगा ऐसे। और इसको ना हम बटर पेपर पे रखेंगे, क्योंकि बाद में जब ये सूख जाएंगे ना तो इनको निकालना ईजी हो जाएगा। अगर आप ऐसी प्लेट पर रख दोगे ना तो ये ईजिली ना मतलब निकलेंगे नहीं, प्लेट से ऐसे उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि जम जाएंगे बिल्कुल यहीं पर। और ऐसे ही ना हम एक एक करके ना सारे जितने भी हमारे पास बनाना थे ना सारों को ऐसे कोट कर रहे हैं चॉकलेट के साथ, और उसके बाद ना उस पर स्प्रिंकल्स डाल रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से उसको डेकोरेट कर रहे हैं। किसी पे हमने स्टार्स डाल दिए, तो किसी पे सिल्वर बॉल्स, गोल्डन बॉल्स, किसी पे हमने कोकोनट लगा दिया, मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से ना इसको डेकोरेट कर लिया। जैसे अब लास्ट वाला पिज़्ज़ा हमने इस पर क्या किया ना, सीधा ही ऐसे काजू रख दिए। अब बारी है इनको ना फ्रीज़ करने की। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा ना, मतलब बिल्कुल ऐसे हार्ड हार्ड हो जाएगा ना चॉकलेट जब, तो ये खाने में बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो लीजिए, हमारे चॉकलेट बनाना पॉप्स तैयार हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, ये डार्क चॉकलेट ना बहुत हेल्दी होता है, और बनाना तो हेल्दी है ही, तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी ऊट पटांग बना दिया, ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी ही है। हाँ, थोड़ी सी डिफरेंट है, पर हाँ ये हेल्दी भी है, और ये सही में ना टेस्ट में काफ़ी अच्छी लग रही थी। मतलब बनाना के साथ ऐसे चॉकलेट हमने कभी, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया था पहले, पर ट्राई करने के बाद पता चला कि हाँ ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, वाकई में अच्छा है। और जिनको डार्क चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है ना, उनकी ना ये रेसिपी फेवरेट बनने वाली है। तो आप ये रेसिपी ना ज़रूर ट्राई करके देखना, और कमेंट सेक्शन में बताना जब आपने बना के देखा तो आपके वाले कैसे बने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।